मामला ललितपुर सदर कोतवाली अंतर्गत नेहरू नगर हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि कमल बुंदेला का शव कल एक बंद कमरे में पुलिस ने बरामद किया था। वहीं पुलिस अधीक्षक मुश्ताक अमर ने तत्काल कई टीमें गठित कर हत्या आरोपियों को पकड़ने के लिए लगा दी और टीमें हत्या का खुलासा करने में जुट गई। इसी क्रम में मृतक की मोटरसाइकिल हत्या आरोपी लेकर के फरार हो गए थे। मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान देर रात तक चलाया जा रहा था। इसी क्रम में सदर कोतवाली अंतर्गत से सटे ग्राम बिरधा में मोटरसाइकिल पर तीन लोग सवार होने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने तीनों का पीछा किया। हत्या आरोपियों ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने अपने बचाव में जवाबी फायर किए, जिसमें दो आरोपी जिसमें बड़ा राजा एवं पंचराम कुशवाहा के पैर में गोली लगी, जिनका इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। पुलिस के द्वारा इतने कम समय में हत्या आरोपियों को मुठभेड़ में पकड़े जाने की चर्चा शहर में आम हो गई है। वहीं ऐसे कुल कृत्य करने वाले आरोपियों में भय का माहौल। व्यक्ति को जो है धारदार हथियार से जो है उसका गला जो है पे प्रहार करके उसकी हत्या कर दी गई थी और उसकी बाइक जो है वो लेकर के जो अभियुक्त हैं वो फरार हो गए थे। बाइक के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी, उसको लेकर के पूरे ज़िले में हर जगहों पे चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा था। तो बिरधा चौकी क्षेत्र में जो है रात को जानकारी प्राप्त हुई कि जिसमें तीन लोग जो है एक बाइक से जा रहे थे, उनको और वो बाइक का नंबर जो है वो भी ट्रेस जो है वो हो गया था। उसका पुलिस टीम के द्वारा जो है उनको रोकने का इशारा किया गया था, उनको रुकने के लिए बताया गया था, लेकिन उनके द्वारा जो है पुलिस पार्टी के ऊपर जो है फायर जो है वो किया गया था। आत्मरक्षार्थ में जो है पुलिस के द्वारा जो है जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें दो अभियुक्त जो हैं जिसमें बड़े राजा हैं और पंचराम कुशवाहा है, इन दोनों को जो है गोली लगी है और एक रामवती महिला हैं वो अरेस्ट हुई हैं। इसके अलावा जो है वहाँ से जो हथियार का इस्तेमाल इनके द्वारा हत्या में किया गया था वो हथियार भी जो है बरामद हुआ है। साथ ही दो तमंचे जो हैं वो बरामद हुए हैं, दो बैग बरामद हुआ है और एक मोटरसाइकिल जो है जो मृतक का इनके द्वारा लेकर के फरार थे वो भी बरामद हुआ है। इनको इलाज के लिए जो है हॉस्पिटल में इनको एडमिट करवाया गया है। इनकी स्थिति जो है वो ठीक है,